देखो लास्ट का टॉपिक था अपना क्रिस्टलन जल। तो लास्ट टॉपिक था क्रिस्टलन जल, इसका मतलब था कोई भी लवण है उसके सूत्र में जो जल की मात्रा होती है, जैसे अपन ने देखा था Na2CO3 10H2O, तो ये क्या है आपका क्रिस्टलन जल, ये क्या है आपका क्रिस्टलन जल है। रिकॉर्ड तो हो रहा ना, तो ये क्या आपका, ये जो टैन है ये क्या है क्रिस्टलन जल की मात्रा है। ये था आपका लास्ट टॉपिक। अब आगे देखते हैं, मैंने शुरू में भी कहा था ये वाला जो चैप्टर है उसमें आपको विभिन्न वैज्ञानिकों की अम्लक्षार की परिभाषा पढ़नी है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्लक्षार की अलग अलग परिभाषा दी है। पहला आपका आरेनियस, साइंटिस्ट का नाम है आरेनियस संकल्पना, संकल्पना का मतलब हाइपोथेसिस। उसने क्या कहा था कि अम्ल किसे कहेंगे, इसने अलग कहा था, उसने अलग कहा था, तो अलग अलग वैज्ञानिकों की अम्लक्षार की परिभाषाएं क्या आपकी अलग अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं आरेनियस, आरेनियस ने क्या कहा था अम्ल की परिभाषा के लिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, तो बैठे ना बैठे बहुत में आते, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। समझो इस चीज को क्या कह रहा है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, अगर आप उसको जल में घोल देते हो, जैसे अपने पास ये बर्तन है, ठीक है, इसमें अपन ने अम्ल डाल दिया, अब इसमें साथ में पानी डाल दिया एसिड यानी अम्ल और जल भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, अब इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो जो आयन होंगे वो किस में बदल जाएंगे, H प्लस में, ठीक है। सचिन क्या कर रहा था, सचिन इतनी देर क्या कर रहा था, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं आरेनियस के अनुसार क्या कहलाते हैं आपके, अम्ल कहलाते हैं। मैंने क्या कहा, जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अब देखो जो H प्लस आयन होते हैं वो अतिक्रियाशील होते हैं, तो कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा वे S3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं वो भी अम्ल कहलाते हैं, जो H प्लस आयन देते हैं वो भी अम्ल कहलाते हैं। क्यों, इसका तात्पर्य यह है कि जो H प्लस आयन होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जल को और अम्ल को मिलाया घुल गए, अम्ल ने H प्लस आयन दे दिया, अपन को पता चल गया अम्ल है, पर ये ज़्यादा देर H प्लस में ना रह के जल की जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके H3O प्लस आयन बना लेता है, ये भी अम्ली है, ये भी अम्ली है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ से अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते या हाइड्रोनियम आयन देते, दोनों बातें एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये क्या वाला हो गया आपके अम्ल, कौन से अम्ल, आरेनियस के अम्ल, आरेनियस भी बोलते हैं और आरहीनियस भी बोलते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना।
तो जो जलीय विलयन में H3O प्लस आयन या H प्लस आयन देते हैं उनको क्या करते हैं आपके अम्ल। अब अपन इसके अगर ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए, एक नंबर का आ गया तो आप कैसे लिखोगे, अगर तीन नंबर का आ गया तो क्या करोगे? आरएनएस के अनुसार अम्ल क्षार को समझाइए, तीन नंबर का क्वेश्चन। पहले परिभाषा लिख दोगे जो अभी मैंने बताई थी अम्ल की, फिर उदाहरण लिखोगे। ये आपका HCl है, अम्ल है आपको पता है। अब अपन इसको जल में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट गया। तो जो HCl है वो क्या करेगा, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। तो ये क्या अम्ल का उदाहरण। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल ये पूजा सभी भी आती है ना, तो वैसे होता है वो ना पूजा पूजा उसमें। अब देखो HNO3 नाइट्रिक अम्ल ये कैसे टूट जाएगा आपका, H प्लस आयन और नाइट्रेट आयन में टूट जाएगा। ये किस में टूट जाएगा आपका, इसमें टूट जाएगा। तो ये भी क्या आपका अम्ल है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2H और SO4 में टूट जाएगा। ठीक है, तो इन सब उदाहरणों से सिद्ध होता है कि ये सारे क्या आपके अम्ल है, ये सारे क्या आपके अम्ल है। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में किसमें टूट गए हैं, H प्लस आयन और क्लोराइड आयनों में या माइनस आयनों में टूट गए। तो ये थी अम्ल की संकल्पना, अम्ल की परिभाषा इसके अनुसार। अब इसके अनुसार देखते हैं क्षार किसे कहेंगे। अपन ने शुरू में देखा था क्षार कैसे होते हैं आपके, चिकने होते हैं, इसके अलावा कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। तो क्षार की परिभाषा कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस, इस चीज को ध्यान रखना, OH माइनस आयनों में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके क्षार कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके क्षार कहलाएंगे। जो जलीय विलयन में OH माइनस आयनों में टूट जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। इसके उदाहरण देख लेते हैं अपन, जैसे ये क्षार है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके नाम याद रखो भाई। तो ये किसमें टूट गया, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल। वो क्या था, हाइड्रोनियम। कॉपी वॉपी लिया है तो थोड़ा बहुत लिख लिया करो तो पता चले कि हम क्लास में क्या कर रहे थे। बेचड़े से क्या होता है, नोट्स तो दुनिया भर के पड़े रहते हैं, नोट्स को अपना बनाना भी जरूरी होता है। मैं इतने सारे नोट्स इकट्ठे कर लूँ एग्जाम टाइम में देखूँ तो कुछ नहीं आएगा, नोट्स पे कुछ लिखो, उनको काला पीला करो, अंडरलाइन करो, कुछ ऐड करो, सब लगते हैं। अपने नोट्स जरूरी होते हैं, दूसरे के नोट्स कभी काम नहीं आते, उन पे लाइन बनाओगे, कुछ लिखोगे, कुछ काटोगे, तो नोट्स होने से कुछ नहीं होता, नोट्स अपने भी होने चाहिए, अपना बनाना जरूरी है उनको। मेरे पास खूब सारे नोट्स पड़े, ये दोबारा बनाने की क्यों जरूरत है, मुझे पिछले साल ही बनाए थे क्योंकि इस साल में नया ऐड कर रही हूँ इसमें। ठीक है, तो नोट्स होने से कुछ नहीं होता, नोट्स को अपना बनाना जरूरी होता है, प्रैक्टिकली नॉलेज जरूरी होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, क्षार कहलाएंगे। तो अपन ने देखी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं,
किसके अनुसार? अभी अगर वो ब्रॉन्ज ट्रेंड लोरी, एक वैज्ञानिक को आएगा ब्रॉन्ज ट्रेंड और लोरी की परिभाषा पूछेगा तो आप ये नहीं लिख सकते, जीरो नंबर आएगा, तो वो अपनी परिभाषा अलग देगा। हाँ, अलग अलग याद करनी पड़ेगी। अगर ये इसकी जगह वो लिख दी, उसकी जगह ये लिख दी, तो जीरो नंबर। ठीक है, अब एक शब्द और आता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, वो क्या होता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। देखो, एक शब्द आएगा, प्रबल अम्ल के उदाहरण लिखो। ये क्वेश्चन आता है ना आपके, प्रबल अम्ल के उदाहरण लिखो। अब प्रबल अम्ल होता क्या है, यह भी पता होना चाहिए। तो प्रबल अम्ल से तात्पर्य है वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। इस चीज को समझ लेना, मतलब जैसे आपने क्या किया, 2 ग्राम H2SO4 डाला है, तो ये अपने आयनों में टूटेगा। तो ऐसे नहीं है 1 ग्राम टूट गया, और ये भी नहीं है कि ये हाइड्रोजन आयन बना लिया और सल्फेट आयन नहीं बना रहा है। तो जो पूरे आयनों में टूट जाएगा, जितने भी आयन प्रेजेंट है, जितने प्लस है जितने माइनस है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होता है जो पूर्णतः आयनित हो जाता है। जैसे ये H2SO4 है, इसमें H+ आयन है, सल्फेट आयन है, ये देखो मैंने अलग से, ये अगर पूर्ण रूप से टूट जाए तो वो प्रबल अम्ल, अगर अपूर्ण रूप से टूट जाए तो वो दुर्बल अम्ल। अब क्वेश्चन कैसे आता है, प्रबल अम्ल तो कोई बता देगा जो पूर्णतः आयनित हो जाए, पर उदाहरण जो एग्जामिनर है वो उदाहरण पूछेगा। पहले आपको परिभाषा दिमाग में रखनी है कि प्रबल का मतलब पूर्णतः टूट जाए अपने आयनों में, दुर्बल का मतलब अपूर्ण टूटे। इसके एग्जाम्पल देख लो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल, सबके नाम याद रखना है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो आपका यहाँ लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या हो गया नाइट्रिक अम्ल। मैं तो लिखवाती हूँ याद करने की, तो आप भी करोगे ना, नाइट्रिक अम्ल। तो ये 3 एग्जाम्पल है, वैसे तो बहुत एग्जाम्पल है, पर आपके सिलेबस में ये 3 ही एग्जाम्पल है। वे अम्ल जो पूर्णतः आयनों में टूट जाए क्या कहलाते हैं आपके? प्रबल अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दिमाग में सेट कर लेना। अभी आपके पास पूरा दिन पड़ा रहता है और आपके पास बहुत गोल्डन चांस है, जाने आने की टेंशन ना जाने की टेंशन, इसलिए आप सब पूरे में से पूरे नंबर लाओ हर सब्जेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, दुर्बल दुर्बल अम्ल लिखित हो गए, अब देखते हैं प्रबल क्षार। अगला है आपका प्रबल क्षार, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसको कैसे समझेंगे? प्रबल क्षार किसे कहेंगे? प्रबल अम्ल की परिभाषा देख ली, दुर्बल अम्ल की परिभाषा देख ली, अब देखते हैं प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार क्या करेंगे, जो विलयन में, देखो वैसे सी परिभाषा ज्यादा फर्क नहीं है, जो विलयन में पूर्णतः OH- आयनों में टूट जाते, वहां किस में टूट रहे थे? H+ आयनों में,
और यहाँ किस में टूट रहे हैं, OH माइनस आयनों, बस इतना सा फर्क है। इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल उदाहरण है, इसके उदाहरण देख लो, प्रबल अम्लीय के, सॉरी प्रबल क्षार के NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, प्रबल क्षार के उदाहरण है अमोनियम, अमोनिया नहीं है, NH4 अमोनियम होता है, मैंने परसों भी बताया था, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, प्रबल क्षार के। दुर्बल क्या होगा, जो पूर्णतः OH में नहीं टूटेगा, ठीक है। ये थे आपकी RHNS के अनुसार, RHNS के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या होते हैं। देखो जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है, अगर उसमें आपको कंसेप्ट पूरा याद है, आप पूरे के पूरे सही लिखोगे, तो एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्या चौथा ही भी नहीं कटेगा। वो पूछ रहा है दुर्बल अम्ल के उदाहरण लिखो, इनके अलावा जो भी याद आता सारे दुर्बल क्षार हो जाएंगे, प्रबल क्षार के उदाहरण लिखो, ये दोनों लिख दिए, पूरे नंबर देगा, क्यों काटेगा, पर सूत्र भी सही होना चाहिए, और ये कब आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ दो शब्द उपयोग हो रहे हैं जो अपन नाइन्थ में भी पढ़े थे, उष्मा शोषी और उष्मा शेपी, नाइन्थ में भी थे और सेवन्थ में भी थे। उष्मा शोषी का मतलब होता है जिस अभिक्रिया में उष्मा ग्रहण की जाती है, जिस अभिक्रिया में उष्मा ग्रहण की जाती है, उष्मा ग्रहण की जाती है, तो उष्मा शोषी का मतलब होता है, 17 मिनट चल गए, जिस अभिक्रिया में उष्मा ग्रहण की जाती है। उष्मा शेपी का मतलब होता है जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा शोषी में और उष्मा शेपी में यह अंतर है कि जिस अभिक्रिया में उष्मा ग्रहण की जाएगी वो तो उष्मा शोषी, और जिसमें उष्मा त्यागी जाएगी वो क्या कहलाएगी, उष्मा शेपी अभिक्रिया। देखो नेट की थोड़ा सा इशू था, उष्मा शोषी नाइन्थ में भी पढ़े हो, जिसमें अभिक्रिया में उष्मा ली जाती है और जिसमें उष्मा त्यागी जाती है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, नींबू पानी बनाते हो, चाहे पानी फ्रीज गर्म हो, मटकी का हो चाहे चरे का हो, तो भी उसके अंदर आपको ठंडा, जैसे गिलास के बाहर हाथ लगाया ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। अब आप क्या करो, बाल्टी लो, उसमें पानी डालो, सर्व बोलो, तो गरम गरम लगता है, तो वहां भी आपको पता चल सकता है कि उष्मा ग्रहण हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं अम्ल क्षार की परिभाषा किसके अनुसार, ब्रॉन्स्टेड लोरी, ये दोनों भी साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार अम्ल किसे कहोगे और क्षार किसे कहोगे। अगला साइंटिस्ट है आपका ब्रॉन्स्टेड लोरी, ये वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा दी, अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, अम्ल प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है, जो प्रोटॉन देगा वो क्या कहलाएगा आपका, अम्ल। ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार क्षार क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा,
जैसे जल है, जल का सूत्र H2O होता है, इसने अमोनिया से अभिक्रिया करी। अमोनिया है ये, अमोनियम नहीं है, अमोनिया है, इससे अभिक्रिया करी। देखना इसको, तो क्या बन गया? अमोनियम। क्या हो गया आपका? अमोनियम। फिर क्या बचा? एक OH माइनस, यही बचा ना। दोबारा देखो, ये जल है, अमोनिया क्या बन गया? अमोनियम। और ये हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, आयन बन गए। हाइड्रोक्सिल आयन बन गए और ये आयन बन गया। अब देखो, अब इसको ध्यान से समझना। क्या कह रहा है? जल है, ठीक है, जल ने क्या किया? प्रोटॉन दिया। जल ने क्या किया आपका? प्रोटॉन दिया। जल पहले क्या था? H2O। अब क्या बच गया बेचारे के पास? एक है, चला गया। तो जल ने क्या किया? प्रोटॉन दिया। जल ने क्या किया आपका? प्रोटॉन दिया। तो क्या हुआ? जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल। ऊपर परिभाषा देख लो, प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है। दोबारा देखो, जल के पास क्या था? हाइड्रोजन। जल का सूत्र होता है H2O। इसने क्या किया? अपना प्रोटॉन दे दिया। अब किसी को भी दो, अपन को पता है इसको दिया, ठीक है, वहां तो कमी होगी ना बेचारे के पास। तो जल का तो क्या हो, जल को क्या कहेंगे? देखो, जल क्या हो गया? या अम्ल। ये मत देखना कि यह क्षार का है, क्षार में अपन ने RNS ने क्या कहा था? जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार होते हैं, उसको यहाँ से नहीं जोड़ना है, उसको यहाँ से नहीं जोड़ना है। जल ने प्रोटॉन दे दिया, तीन थे प्रोटॉन का मतलब H प्लस, इसको प्रोटॉन बोलते हैं। दिया या नहीं दिया? ठीक है, प्रोटॉन देता है अम्ल कहलाता है, प्रोटॉन देता है अम्ल कहलाता है। अब ये है अमोनिया, इसने क्या किया? प्रोटॉन ले लिया। मैं यानी तू प्रोटॉन लेता है तो क्या होगा? शायद नीचे परिभाषा दे रखी है। देखो भाई, अपन ने क्या कहा था? जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल और जो लेता है वो क्षार। जल है, ठीक है, H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। जल ने क्या किया? अपना H प्लस दे दिया। अब देखो, यहाँ एक कमी है जल के पास हाइड्रोजन की, तो अब जल क्या हो गया? अम्ल। अमोनिया है, NH3 से क्या हो गया? NH4। तो वो क्या हो गया? प्रोटॉन ले रहा है, तो वो क्या हो गया? अपना क्षार। अब आप ये मत सोचना कि जल इसको दे रहा है, ये गड़बड़ मत करना। दे रहा तो इस चीज को है, जल दे रहा तो अमोनिया को ही है प्रोटॉन। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ जल है आपका कौन? अम्ल। अपन ने जो एरो मैंने ऐसे लगाया ना यहाँ, तो इसने त्याग दिया, दिया तो इसी को ही है, दिख रहा वो, पर यहाँ जल अम्ल है और अमोनिया क्या है आपका? ले रहा है, ले रहा जल से लेगा, तो ये अम्ल है, ये क्षार। ये एरो से कंफ्यूज मत होना, तीर का निशान सिर्फ समझाने के लिए कि देखो यहाँ तो कमी हो गई। ये तीर का निशान ऐसे दिखा रही हूँ ना मैं यहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वहां चला गया, इसका मतलब है कमी हो गई यहाँ पे।
और इसका मतलब है कि यहाँ बढ़ोतरी हो गई। देगा तो यही देगा, इंग्लिश के पास रहना पहले से यहाँ भिखारी बैठा है, ठीक है। तो ये जो मैंने एरो का निशान लगाया ना, उससे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ये अम्ल है, ये शाल है, कोई कंफ्यूजन। तो आर एन एस सॉरी ब्रॉन्ज एंड लोरी ने क्या कहा, प्रोटोन अम्लदाता होते हैं, क्षार ग्रहण करने वाले। बस इसको दिमाग, हाँ ये उदाहरण हो सकता है। अब आगे चलते हैं, अगला साइंटिस्ट क्या करता है, बस एक और लुईस, ये ब्रॉन्ज एंड लोरी थी, अगला है लुईस। अगला है लुईस संकल्पना, ये इसलिए दे रहा है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तीनों में उल्टा पुल्टा लिख के आए, नंबर कम कर, इसीलिए तीन चार साइंटिस्ट दे रखे हैं, पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, दो तीन बार देखोगे तो याद हो जाएगा। लुईस क्या कहता है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़ा, युग्म को ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो क्या होंगे, आपके अम्ल होंगे। जैसे कोई बी था और कोई सी था, बी के पास क्या थे, ये दो इलेक्ट्रॉन है, युग्म है ये। अब अभिक्रिया हुई और ये क्या हुआ, सी के पास चले गए, ये दोनों किसके पास चले गए, आपके सी के पास चले गए। तो अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे, तो सी कौन है आपका, यहाँ अम्ल, हाँ बस, हाँ ये उल्टा सी का ध्यान रखना आपको भाई। आर एन एस परिभाषा में तो कंफ्यूज होगी नहीं, क्यों, जो एच प्लस देता है, जो एच माइनस देता है, वो तो एक अलग ही बात हो गई, और इनमें उसमें क्या था, वो प्रोटॉन देता है, यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है। इस ब्रॉन्ज एंड लोरी क्या कह रहा था, अम्ल वो है जो इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन देते हैं, और ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्षार क्या होंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं सॉरी देते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म में देते हैं। अब देखो यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है, ये देगा नहीं तो ये लेगा कहाँ से, तो अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसके उदाहरण ब्रॉन्ज एंड लोरी में सॉरी लुईस में क्या है, इसके उदाहरण ज्यादा महत्व, ये देखो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये नहीं पूछेंगे आपसे, ये अम्ल है, ठीक है। अब अमोनियम सॉरी अमोनिया, ये क्या है आपका, क्षार है, हो गया अम्ल क्षार। अब यहाँ देखो कैसे बनेगा, यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ याद आ रहा है क्या, उपसहसंयोजक बंध, नाइन्थ में सारे पढ़े थे मैंने, पढ़ाए थे उपसहसंयोजक बंध। देखो BF3 ये अम्ल था, ये क्षार था, तो यहाँ क्या हुआ, ये जुड़े हुए आपस में, इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग है, उपसहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। उपसहसंयोजक बंध को तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, उपसहसंयोजक बंध का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, याद आ रहा है क्या, नाइन्थ वाला उपसहसंयोजक बंध
और युग्म देता है और दूसरा ग्रहण करता है। सहसंयोजक बंध कब बनते हैं? जब दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, एक भी दे रहा है दूसरा भी दे रहा है। सहसंयोजक बंध में दोनों देते हैं, उपसहसंयोजक बंध में एक देता है। तो लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म में ग्रहण करते हैं, क्षार वो होते हैं जो देते हैं, और ये बन रहा है आपका उपसहसंयोजक बंध। तो ये उदाहरण है लुईस संकल्पना, ठीक है? बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू।